जदो हौली जे लेने मेरा ना मैं था मर जा नहीं से शुरू किया फिर आस्ता आस्ता मैंने मैं फिल्मों में गाना शुरू किया ढोला वे ढोला वे एक्टिंग करने का बहुत शौक था एक्टर बनने का शौक था और बन सिंगर गई। हों तो आई मेरी जान दोहाई फॉर्म मेरा ये दिल चाहता है कि मैं कोक स्टूडियो में गाऊं। फिर तेरा असलकुम आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम आपको जो ये इतनी प्यारी सुरीली आवाज मैंने अभी सुनाई है ये और किसी की नहीं है ये समीना मलिक की आवाज है जो कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम भी है उन्होंने काफ़ी डूर्ट्स भी गाए हैं नसीबो लाल वगैरह के साथ तो आइए आज उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ कवर कैसे किया और कितने साल उनको इस फील्ड में हो गया और इस फील्ड से क्या हासिल हुआ वालेकुम अस्सलाम जी कैसी हैं आप? आप? जी शुक्रिया अल्लाह का फातिमा कैसी हैं ठीक मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक वेलकम टू माय स्टूडियो अच्छा बस मैम समीना आप मुझे बताएं आपने अपने करियर का आगाज़ कवर कैसे किया जी मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया आगाज़ समझे अभी से ही शुरू हुआ है क्योंकि हम लोगों की स्ट्रगल जो तब से लेके अब तक है मैंने 92 में आगाज़ था मेरा अच्छा और मैंने एक स्टेज से शुरू किया था जी स्टेज से शुरू किया फिर आहता आता मैंने फिल्मों में, में गाना शुरू किया फिर ऐसे ऐसे स्ट्रगल करते करते मुझे आज भी लगता है मेरा आज भी स्ट्रगल का पहले ही दिन है तो कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में मुझे पैंतीस साल हो गया पैंतीस साल जी आ, किसको देख के गाना गाने का शौक़ पैदा हुआ था जी आ, किसको देख के मैं बचपन से ही मैडम जी को लाइक करती थी मैडम नुरजान हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम बिल्कुल ना ऐसी न ऐसी औरत पैदा होंगी ना हुई हैं ना आज तक कैसी आवाज़ आएगी जो मैडम नुरजान से मैं बहुत बहुत ज़्यादा उनको लाइक करती हूँ उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये सिंगिंग की तरफ मेरा ध्यान था और मैंने बचपन से ही जो है ना वो मैडम जी को सुने कितने साल की थी मैं मतलब पंद्रह सोलह साल की थी जब से मुझे ये समझ में आया कि गाना क्या है और मैडम जी कोई समझ लें मैंने सुना है उनको देखा है मैडम जी के तो गाने मैं कहती हूँ टॉप ऑफ हैं क्या बात है उनकी बिल्कुल बिल्कुल तो उनका आपको कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है जी, मैडम जी का तो मुझे माशाल्लाह कौन सा गया मुझे सारे ही पसंद हैं गजल उन्होंने गाई तो माशाल्लाह वो भी बहुत पसंद है पंजाबी वो भी बहुत पसंद है मैडम जी का तो समझ ले कि हर चीज़ मुझे पसंद है चलें फिर आप मेरी एक पसंद का गाना सुना दें <laughs> जी जी जदो हॉली मेरा ना जी ठीक है हाय हाय ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਕਰਦੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਵੇ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਖੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾ ਨਿਆਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ दैट वॉज ए गुड वन अच्छा आप कितना घंटे देती हैं अपने रियाज को जी रियाजत जो है ना वो एक अलहदा सब्जेक्ट है हुँ. और जो गाने को ज़िंदा रखती है समझते हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ जितना भी रियाजत हो सके मुझसे मैं ज़्यादा करूँ लेकिन जो दो डेढ़ से दो घंटे ना वो मैं कानपुर के साथ सुबह रोज रियाजत करती हूँ जी तो पूरे दिन में सिर्फ एक ही काम और कुछ भी नहीं जाहिर है काम तो यही है झाड़ू लगाते हुए कभी आपने भी किया होगा घर के काम घर के काम नहीं करती आप करती हूँ मैं कुकिंग गर... करती हूँ अच्छा हाँ जी खाना खुद बनाती हूँ क्योंकि मेरे जो मियाँ हैं और मेरे बच्चे वो मेरे हाथ का ही खाना खाते हैं बाकी तो सब काम हो जाते हैं सब क्या बात है तो मतलब कि खाना खाते हुए भी गाना गा रही हूँ आज मैं मुर्गी बना रही हूँ या मैं कुछ कभी इज्जत हुआ है कि लिरिक्स आ रही है अजीब वो से दिमाग में कोई फनी कॉमेडी टाइप बना दिया हो जी बिल्कुल आती हैं बच्चों के साथ फिर इंजॉय भी करना होता है और ये है कि मैं हमेशा से यही सोच रहती हूँ आज मैंने ये पकाया ये अच्छा बहुत अच्छा पके जो खाएं बच्चे मेरे खाएं मेरी मियाँ खाएं तो बहुत ज़्यादा शरीफ करें तो ऐसे उसमें भी सुर लगा देती हूँ कोई <laughs> कौन सा <जा> सुर ज़्यादा लगाती <laughs> जी दूसरा काला <laughs> कौन सा मैंने कहा दूसरा काला लानी है <laughs> अब इसके अलावा आपने अपने कोई खुद के गाने कंपोज किए हों या खुद लिखे हों या कभी आपने रिकॉर्ड करवा के अपनी एल्बम रखी हो जो अभी तक एयर ना आई हो जी मेरे माशाल्लाह से आ, बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग हैं जो मेरे अभी ऑनियरली हुए हैं और उसमें पंजाबी बहुत अच्छे हैं रिसेंटली अब मैंने एक मेरी नई फिल्म ग़ुला मुस्तफ़ा वो आ रही सैमा बेगम पे वो गाना है वो मैं आपको सुनाती हूँ सुना दें ढोलावे हंस तेरे बाज की जीना चन ढोलावे हंस तेरे बाज की जीना चन ढोलावे क्या बात है ये आपके अपने सॉन्ग जी मेरे अपने सॉन्ग हैं सैमा बेगम पर ये गाना है गुलाम मुस्तफ़ा और मलक हीरा है जो हमारे मुल्क का बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं मलक हीरा साहब आजकल वो अमेरिका में शिफ्ट और सीए नूर साहब जिसके डायरेक्टर थे और ये फिल्म का गाना है उन पर पिक्चर आई था सैमा और मतलब खीरे पर क्या बात है ऐसा मतलब कि अभी तक आप किन किन लोगों के, के साथ डोट कर चुकी हैं आप जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्यूट यही है कि सबके साथ ही किया है ज़्यादा मैंने सुलू ही गया लेकिन फिल्म में भी ड्यूट किए हैं मैंने और हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम होमरा चन्ना जी जो कि मैं उनकी फ़ैन हूँ बड़ी सुरीली और बहुत अच्छी खातून है उनके साथ ड्यूट का मौका मिला मुझे बाक़ी नसीबों मेरी दोस्त हैं अच्छी हैं उनके साथ ड्यूट गया मैंने और अजरा जी के सब के साथ ही मेरी अच्छी दोस्त हैं और इसके अलावा इंटरनेशनल टूर्स पे गई हैं जी बिल्कुल कितने कहाँ कहाँ परफॉर्म किए अभी तक कहाँ कहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला हाँ जी मैंने अमेरिका में भी परफॉर्म किए और इंग्लैंड में भी एक टूर था हमारा और ये है कि बस जो पाकिस्तान में मज़ा ना हमारे मुल्क में वो कहीं भी नहीं देखा मुल्क से बाहर भी गए हैं लेकिन जो इधर हमें मिलता है सुकून मिलता है गाकर वो मुल्क से बाहर नहीं मिला मुल्क से बाहर नहीं मिला जो बाहर के मुल्क में आ, मतलब कि जब आप जाते हो तो वहाँ के लोग आपको किस तरह से वेलकम करते हैं पाकिस्तान से अच्छा करते हैं लेकिन हम लोग अपने पाकिस्तान को ही ज़्यादा बचोल्टी देंगे क्योंकि पाकिस्तान जो है ना हम पाकिस्तानी हैं इज्जत तो बहुत होती है करते हैं लेकिन जो पाकिस्तान है ना हमारे एक रूह की गजा समझ लें जो पाकिस्तान की मिट्टी है पाकिस्तान के जो लोग हैं पाकिस्तान के लिए हमने गाया कल्चर के लिए गाया लेकिन वो पज़ीरा ही नहीं मिली अभी तक पाकिस्तान में जो बाहर मिलती है जो बाहर मिलती है जी अरे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का क्या कंपैरिजन है बाकियों से जी अलहमदिल्ला सारी जो इंडस्ट्री है वो तबाह तो बर्बाद हो गई है अच्छा और आपको पता ही <laughs> क्यों हो गई है क्योंकि इन्होंने चांस नहीं दिया एक ही सिंगर है एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है और एक ही कंपोजर है सारे एक को न दे यार सबको वन बाय वन चांस दें और ये चांस नहीं है इंडिया देखें आप हर किसी को चांस मिलता है हर एक किसी एक के ऑफर आई है या? जी बिल्कुल मैंने इंडिया एक एल्बम भी किया पंजाबी अच्छा हाँ जी वो उसके साथ सिद्धू के साथ भी है मेरे काफ़ी पंजाबी सॉन्ग मैंने फिल्मों के लिए किए हैं इंडिया के भी मैं ये कह रही हूँ कि चांस देना चाहिए हमारा जो हमसा मुल्क है इंडिया उसमें हर किसी को चांस मिलता है और यहाँ पर चांस नहीं है बस एक ही सिंगर है एक ही डायरेक्टर है और एक ही फिल्म है बस तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि फ्रेश टैलेंट को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर कर रही आप क्या कर रहे हैं ये लोग इंडस्ट्री के साथ इंडस्ट्री बस अपनी मनमानी कर रही है और बस फड़ो फड़ो लगी हुई है पड़ो पड़ो <laughs> कुछ भी नहीं है यार जो हकदार है ना देखिए फातमा आप जिस सीट में है ना हुँ. तो क्या आपको सब ने सिलेक्ट करके इधर बिठाया ना तो एक बंदे को चांस नहीं हर किसी को चांस मिलना चाहिए ऐसे न्यू जनरेशन जो है वो मैं समझती हूँ कि जो ठीक है सब गा रहे हैं ठीक है लेकिन जो पहला म्यूजिक था पहली फिल्में थी क्या वह अब हैं आप बताएं

आपकी लाइफ जब बिजी होती है तो ऑटोमेटिकली सारे चेंजेस आ जाए बिल्कुल तो आपकी आपने रियाज़ का भी बताया अपनी पूरी स्ट्रगल का बताया अपने इससे पहले सिंगिंग से पहले आप क्या करते थे आपकी क्या क्वालिफिकेशन वगैरह जी मैंने क्वालिफिकेशन तो मैंने सिर्फ मैट्रिक की किया है और ये है कि मुझे इतना पता चल गया कि कौन जगह कौन बैठे बस इतना ही है कि उसके पहले मैं पढ़ती थी और वालद नहीं थे वालदा थी मेरे बहन भाइयों को पॉलर का काम करती थी मैं जी और ब्यूटिशन थी उससे पहले उसके बाद फिर मैं आता आस्ता गाने की तरफ आई एक्टिंग करने का बहुत शौक़ था एक्टर बनने का शौक़ था और बंद सिंगर गई यहाँ पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म किया जी मैंने बता तो रही हूँ आपको कि चांस ही नहीं दिया किसी ने फिल्म के लिए गाया बाकी अल, अल हमारा आर्ट कौंसिल में गया जैसे अच्छे अच्छे इवेंट्स आते हैं कराची भी गया ऐसे आर्ट कौंसिल में ज़्यादा मैंने गया लेट मेरा ये दिल चाहता है कि मैं कोक स्टूडियो में गाऊँ कोक स्टूडियो में जी कोक स्टूडियो में तो आएंगे सब जो काफ़ी फ्रेश टैलेंट को वैसे भी चांसेस दे रहे हैं हम लोग तो नए टैलेंट नहीं है ना यार हम लोगों ने पैंतीस साल काम किया है की खदमत की है तो ये कि आजकल ये सिंगर बेचारा दरवाजा खटखटा रहा होता यार मुनुब भी सुनो चांस दो मैंने भी वो अब वो और जो बड़े सिंगर हैं उनको चाहिए जो छोटे अपने से छोटे भी हैं जो जूनियर हैं उनकी तरफ देखें अपने अपने सीटों में आए अपना अपना काम सब करिए अच्छा आपको पाकिस्तान में सबसे अच्छा सिंगर कौन सा लगता है आपका जो मन पसंदीदा हो सभी अच्छे हैं देखिए हमारे पाकिस्तान में तो मैडम थी मैडम नूर जहाँ जी हसन साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब और अब भी अच्छी जी जी रेशमा जी क्या बात है नसीबो भी बहुत अच्छी हैं नसीबो अच्छी है अच्छी हैं और मेरा चना मेरी फेवरेट है हमारा चना जी तो बिछड़े अभी जो हम कल परसों जी जी वो सुना अच्छा जी <laughs> चार दिन दा, प्यार बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई तो पे आई दोहाई है लंबी जुदाई अच्छा जमीना जी हमें कोई गजल भी सुनाया जी बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ दिल धड़कने का सबब याद आया वो तेरी याद थी अब याद क्या बात है आपने जो आवाज सुनी मेरे 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 साथ साथ आज समीना मलिक स्टूडियो में मौजूद थी जो कि पैंतीस साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं लेकिन ऑब्वियसली एक पैसेज ऑफ टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पे आगे सबकी एक ही कंप्लीट होती है कि ये हमें चांस भी नहीं दे रही प्लस न्यू जो फ्रेश टैलेंट है उनको भी प्रमोट नहीं कर रहे तो आप कोई मैसेज जाते हुए देना चाहती हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री को तो कैमरा दे के दे बिल्कुल मैसेज क्या है बस इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उदारा आर्टिस्टों को जो हकदार है उनको हक़ दें देखिए ऐसे वो मर जाता है इंसान उनका टैलेंट जो अंदर मर जाता है आप जो हक़दार हैं उनको हक दें पैंतीस साल से हम लोग काम मैं काम कर रही हूँ मैं अपनी बताऊँगी और कोई चांस नहीं कोई कुछ नहीं है ये ऐसा नहीं है हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे ऐसे दुनिया से चले जाएंगे इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज